दुख तो सहना ही पड़ेगा। दुख, विपत्ति, कष्ट, रोग, शोक, ये शब्द ऐसे ही हैं जो संसार में हर कोई इनके नाम से ही कांपता है। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अपने जीवन में इनमें से किसी की भी आवास चाहता हो। सभी व्यक्ति उपास करते हैं कि वो पांच शब्द अपने जीवन में यथासंभव से दूर रहें। हर व्यक्ति यह कामना करता है, प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसे इन तकलीफों से बचाए। पर सच्चाई तो यही है कि इन शब्दों से लगभग रोज किसी न किसी का पाला पड़ता ही है। दुख तो सहना पड़ेगा। हर किसी को यही लगता है कि सारे कष्ट उसी के जीवन में आकर बैठे हैं और बाकी सब मजे से हैं, आनंद से जी रहे हैं। लेकिन यह सब सच नहीं है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका पाला किसी न किसी रूप से दुख से न पड़ा हो। हर किसी को अपना दुख बड़ा लगता है, पर सच्चाई यही है कि दुख हर व्यक्ति के जीवन में सम्मिलित है। आज इसी संदर्भ में भगवान बुद्ध की एक कथा का आनंद लेते हैं। देव योग से उसी समय नगर में भगवान बुद्ध आए थे। जब गौतमी किसी की बात मानने को तैयार ना हुई तो किसी ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। यह बात सुन गौतमी अपने पुत्र की पार्थिव देह लेकर बुद्ध के पास जा पहुंची और रोते हुए बोली कि हे भगवान, यह मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। किसी के जीवन में इतना दुख नहीं आता जितना मैंने सहा है। अब और दुख सहने की मेरे अंदर शक्ति नहीं है, आपको इसे जीवित करना ही होगा। उनकी बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, बस तुम्हें मुझे एक चीज ला कर देना होगा। तुम मुझे किसी ऐसे घर से एक वस्त्र ला कर दे दो जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। गौतमी उसी क्षण पुत्र की देह भगवान के चरणों में रखकर चल पड़ी। सुबह से शाम हो गई, पर उसे कोई ऐसा घर ना मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह निराश होकर भगवान बुद्ध के चरणों में आकर गिर पड़ी। भगवान ने उसे कहा, गौतमी, संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसे दुख सहना ना पड़ता। मुझे ही दुख क्यों मिला, यह प्रश्न कोई महत्व तो नहीं रखता। वास्तव में दुख सुख तो अपने ही पूर्व जन्मों का कर्म फल होते हैं। जिसने जैसा कर्म किया उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। तुम भी सत्य को स्वीकार करो, अपने पुत्र को विदा करो और अपने कर्म फल सुधारने के लिए प्रयास करो। हर किसी को अपने हिस्से के दुख सहना पड़ता है। गौतमी ने जान लिया कि दुख से बचा नहीं जा सकता। हर किसी को अपने हिस्से में दुख सहना ही पड़ेगा। दुख से बचने का एक ही उपाय है, अच्छे कार्य करते रहो, किसी को कष्ट ना पहुंचाओ। भगवान बुद्ध की बात मानकर गौतमी ने अपने पुत्र को पंच तत्व में विलीन कर दिया और स्वयं भगवान बुद्ध के चरण में आ गई। यही इस जीवन का सार है। दुख को टाला नहीं जा सकता, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अपने कर्म फल को हर एक को भोगना ही पड़ेगा, दुख को सहना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।